आयुक्त का जो राजीव है उसका ये टेस्ट चल रहा है कि तू हमारे लिए जो तूने हमारा माल खाया है उसके लिए तू कितना नीचे गिर सकता है, ये उसका भी बेचारे का टेस्ट है। क्या चुनाव चिन्ह इस देश की में एक वो संस्था बन गई है जिसपे आज की डेट में उसके आका का भी उसपे विश्वास नहीं है? कहीं ना कहीं ये गुजरातियों के हाथ में लोगों ने अपना मान सम्मान बेच दिया है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राजा सिंह जी, पंजाब में जाट महासभा के महासचिव हैं, और बात करते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। हरियाणा से ये चंडीगढ़ से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों आगे बढ़वाना चाहती है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कल बीजेपी समेत कई और पार्टियों ने लेटर लिखा चुनाव आयोग को कि जो है चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए, उस दिन छुट्टी है, लोग घूमने निकल जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे, और वोट नहीं डालेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही है, तो डर है या फिर ये वजह है, क्या वजह, जानते हैं राजेश सिंह जी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद इकराम। आपके सारे जो दर्शक हैं उनको भी मेरा प्रणाम। इकराम, क्या होता है कि जब हम दुनिया में भी देखते हैं और अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जब आदमी का कॉन्फिडेंस लूज होता है तो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कंफ्यूजन की होती है। वो कंफ्यूज्ड होता है कि मैं ये करूं कि मैं ये ना करूं, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो चुका है या वो उसका कॉन्फिडेंस डामाडोल है। जब उसको अपने पे एतबार नहीं होता तो ये चीजें डामाडोल होनी स्वाभाविक है। पहले से ही जब महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव की डेटे नहीं तय की गई उससे पता चला कि इनका कॉन्फिडेंस डामाडोल है। ये बात ये मान चुके हैं कि उन दो स्टेटों के अंदर, वैसे तो ये चारों स्टेटों में हारने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार आदमी सोचता है कि मैं अपनी डिफीट को जितना दूर कर लूं, क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं उससे परसेप्शन ये है कि कोई भी इस टाइम हालात ऐसे बन गए तो ये गवर्नमेंट गिर भी सकती है। अगर ये चारों स्टेट के रिजल्ट आने के बाद, बाहर से तो छोड़िए, बीजेपी के अंदर से भी प्रेशर बहुत ज्यादा लेवल पे इन पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव को आगे बढ़ा के और समय बाय करने का एक चाल है ये। और कई बार आदमी अपने चेले का टेस्ट लेता है, जैसे गुरु है वो अपने चेले को जब तैयार करता है तो उसका टेस्ट लेता है कि ये किस लेवल तक जा सकता है। तो जो चुनाव आयुक्त का जो राजीव है उसका ये टेस्ट चल रहा है कि तू हमारे लिए जो तूने हमारा माल खाया है उसके लिए तू कितना नीचे गिर सकता है, ये उसका भी बेचारे का टेस्ट है। गिर तो वो चुका ही है, अब वो कहते हैं कि कितना गिर सकता है, उसका आयाम चेक करने के लिए ये एक टेस्ट रखा गया है बीजेपी की तरफ कि हमारा भगत कहीं इसकी आंखों में अभी कोई रोशनी बाकी तो नहीं रही कि ये अंधभक्त हुआ कि नहीं हुआ। तो ये अंधभक्ति के चेक किया जा रहा है। अगर चुनाव आयुक्त ने इनकी ये बात मान ली तो पक्की बात है कि राजीव के ऊपर अंधभक्त का टैग भी लगेगा। ठीक है, बचेगा तो कोई नहीं, सरकारें कभी रहती नहीं है, जब सरकारें दूसरी आएंगी इनके ऊपर जब चेकिंग होगी, जब इनकी इनपे कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली ये लोग शक के घेरे में तो है ही है और उस टाइम ये घेरे भी जाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या चुनाव चिन्ह इस देश की में एक वो संस्था बन गई है जिसपे आज की डेट में उसके आका का भी उसपे विश्वास नहीं है। जो डेटे अभी इन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन जो किया, कितनी बेतुकी बात करके इन्होंने कहा कि जी वहां पे त्योहार है, वहां पे फंक्शन है, तो बेसिकली उन मुद्दों को रखते हुए ये सब डाउटफुल सिस्टम है। बीजेपी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आज इससे एक बात और भी नजर आ गई कि जेजेपी और बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए अलग हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता था कि अभय चौटाला एक मर्द जाट है, लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी ने उसके साथ गठबंधन करके कई अभय चौटाला की जो सोच के ऊपर भी जाला डाल दिया है, क्योंकि हम जाट महासभा की तरफ से
मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि वो स्टेटमेंट हमारे संगठन की तरफ से होगी। मैं अपने पर्सनल तौर पे ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये गुजरातियों के हाथ में लोगों ने अपना मान सम्मान बेच दिया है, चाहे वो जाट हैं, चाहे गुज्जर हैं, राजपूत हैं, गुजरातियों के पैसे पे ये सारे नाच रहे हैं। वरना देश की ये हालत होते हुए भी, आज आज आपको मैं आगाह कर दूं इकराम जी, जो पार्टियां इस टाइम बीजेपी का साथ दे रही हैं, उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। वो राजनीति का अस्तित्व से ही मिट जाएंगी, क्योंकि देश की जब बर्बादी की ये दास्तां लिखी जाएगी, तो ये भी उतने ही कल्प्रेट होंगे जितनी आज बीजेपी है। जो आज देश की आर्थिक हालातों का जो नुकसान हो रहा है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो विदेश नीति में फेल हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? आप प्राइम मिनिस्टर को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी छपरी, अपने चाय वाली छपरी के दोस्त से मिलने नहीं गए थे, वहां यूक्रेन के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, तो आपका जेस्चर जो उसके गले पे आपने हाथ रखा हुआ है या उसके उसके मोढ़े पे हाथ रखा है, आप क्या दिखाना चाहते हो कि भारत अपनी सभ्यता भी भूल गया है? आपको प्रोटोकॉल की चिंता नहीं है कि प्रोटोकॉल क्या चीज होती है? तो कहीं ना कहीं ये देश इस टाइम डगमगाया हुआ है, डोला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज मैं देखता हूं कि राहुल गांधी बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका संगठन कहाँ है? आज वो राहुल गांधी अकेला क्या कर लेगा? मुझे तो और कोई लीडर उनकी तरफ से नजर नहीं आता, ठीक है ना? मैं अखिलेश यादव को देख रहा हूं, ना मैं तेजस्वी को देख रहा हूं, ना मैं शरद पवार को देख रहा हूं, कि जिस अग्रेसिवनेस से राहुल मुद्दा उठा रहा है, उस हिसाब से तो उनको औरों को भी मुद्दे उठाने चाहिए। ये देश सोया हुआ है क्या? सबसे पहले तो मैं तो खैर इस देश की पब्लिक को सबसे बड़ा दोषी मानूंगा, मूर्ख मानूंगा, कि भी जिसकी वजह से ये हम पे राज कर रहे हैं और आज देश को इन्होंने इन हालातों में पहुंचा दिया है। तो ये जो मैं फिर अभय चौटाला जी से कहूंगा कि आप एक मर्द जाट हैं, छोड़िए, बीएसपी का साथ आपने क्यों लेना है? आज मायावती ने अपने आप को बचाने के लिए दलितों का वोट बैंक, दलितों का विश्वास बीजेपी के हाथ बेच दिया हुआ है, क्योंकि उसने जो अपनी अकूट संपत्ति बनाई, उससे जेलों में जाने से बचने के लिए आज वो बीएसपी के वोटों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। उस समाज का जिसने उसको इंद्रपुर की झुग्गियों से उठाकर यूपी का चीफ मिनिस्टर बना दिया, उस समाज के प्रति आज वो बिल्कुल भी आंखें बंद करके बैठी हुई है। तो ये जो बात है, वो हमारे जो ऐसी बहन भाई हैं जिनसे धोखा हो रहा है, जिनसे वोट तो लिया जा रहा है, लेकिन उनका वोट गुजरातियों के हाथ में पैसों के बदले बेचा जा रहा है। तो ये जो हालात बन रहे हैं, ये जो देश है इस टाइम बड़ी भयावह स्थिति की तरफ जा रहा है। भगवान मेरे देश पे कृपा करे और हमें अच्छी लीडरशिप से नवाजे। मैं तो ये मुझे कहता हूं, मालूम है सर, मैं एक मिनट राहुल इकराम, गांधी जी, एक बात कहना चाहता हूं। मैं यहाँ पे किसी जो भी प्रेसिडेंट पार्टीज हैं, मैं उनकी तरफ से सोचता हूं कि वो कुंद हो चुके हैं। देश को आज एक नए नए राजनीतिक भविष्य की जरूरत है, उन लोगों की जरूरत है जो भारत जिनके दिल में बसता है, भारत जिनकी सोच में बसता है, भारत की उन्नति जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, उन लोगों को आगे आना चाहिए। ये जितने पुराने राजनीतिक हैं, ये सब कुंद हो चुके हैं, सब भ्रष्टाचार के दलदल में इतने जा चुके हैं कि जेलों के डर में जाने की बजाय इन्होंने अपने हित और अपनी पब्लिक जो इनको वोट देती है, उनका सौदा ये कर रहे हैं। एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि इन्हें डर लग रहा है चुनाव से और ये चुनाव आयोग के भरोसे बैठे हैं कि वो अपनी कुछ हमारे प्रति वफादारी दिखाए, तो क्या बाबा राम रहीम भी काम नहीं आया? क्या वादे काम नहीं आए? चीफ मिनिस्टर बदलना वहां पर वो काम नहीं आया, फिर भी चुनाव आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बाबा राम फैक्टर? एक फिल्म भी आ रही है कंगना रनौत की, आई है इमरजेंसी, तो उस फिल्म के माध्यम से बहुत कुछ कहने की कोशिश की गई है, क्या वो चीजें भी काम नहीं आई? तो हो क्या रहा है? देखिए, इससे पता चलता है कि समाज कितना दूषित हो चुका है।
बेशर्म हो चुका है कि आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टियां जिनके लांच जिनकी बात सुनने तक तो तैयार नहीं होती थी कि हम पे अगर कोई लांछन लग गया तो भारत की जनता हमें निकाल फेंकेगी क्योंकि ये भारत सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन आज की डेट में ये बिग बॉस जैसे शो, ये पिक्चरों के अंदर डबल मीनिंग डायलॉग्स और जो समाज की ये जो दुष्कृति हुई है उसके कारण पॉलिटिकल पार्टियों को भी अब डर खत्म हो गया कि भाई जो मर्जी करो, पब्लिक भी तो भाई कुछ कह नहीं रही। राम रहीम को बार बार लेके आना ये क्या दिखाता है? आप कैलकटा पे जितना भी मर्जी बोल लो, कैलकटा के तो हिंदुस्तान में तो रेप एक जगह तो हुआ नहीं है ना पूरे हिंदुस्तान में। मुझे ये आंकलन नहीं पता कि रोज कितने रेप होते होंगे। तो उसको रोकने की क्या नीति है, उसको रोकने के लिए प्रयास क्या है? हम कहते तो हैं उसे गोली मार देनी चाहिए, उसे फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन इस देश में क्या आज तक किसी एक को फांसी हुई है इकराम जी? सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए ये ढकोसलेबाजी होती है और कुछ नहीं है। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, सरकारों को कोई लेना देना नहीं है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये मुद्दों को उठाते हैं और फिर ये भूल जाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के लिए तो पूरा देश एक होना चाहिए। वो जब दूसरे राज्य में होता है तो वो लाल किले की प्राचीर से बोलने में भी शर्म नहीं करते, और जब अपने राज्यों में होता है तो उसको आप जितना मर्जी उनको बोलो वो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री आज की डेट में आज हमारे देश का बाहर जाकर जो प्रतिनिधित्व ऐसा प्रधानमंत्री कर रहा है। तो जहां तक कंगना रनौत की बात है, मैं उसे पागल की श्रेणी में दे चुका हूं। उसके ऊपर कोई भी बयान देना, मैं समझता हूं कि मैं ही मूर्ख होऊंगा जो उस पर बयान दूंगा। उसको दिमागी तौर पे इलाज की जरूरत है। आज मुझे उस पर क्रोध नहीं, मुझे उस पर सहानुभूति आती है। और मैं अपने सिख भाईचारों को, सिख लोगों को भी ये कहूंगा कि आप गलती से भी कोई गलत स्टेप मत उठा देना, क्योंकि उस बेचारी वो बेचारी मानसिक रोग से पीड़ित है, उसके मां बाप को उसका इलाज कराना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताए, हम अच्छे साइकोलॉजिस्ट या अच्छे से अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवा देंगे। जैसे उसने पीछे बोला कि इमरजेंसी बनाते हुए मेरा घर बिक गया, मेरे गहने गिर गई है, तो बेचारी उससे निकलने के लिए उस मानसिक त्रासदी से वो मेरे हिसाब से तो पागल हो चुकी है, सिर्फ घोषित होना बाकी है। तो पागल आदमी अगर कत्ल भी कर दे तो भी क्या कहते हैं, कोर्ट भी उसको कुछ नहीं कहता कि भाई ये तो मानसिक रूप से बीमार है तो इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं भी उसको बोल के अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी पैसे भेले की दिक्कत है, कहीं इलाज अमेरिका में करवाना हो, वहां भी करवाने हो, तो सिख अपना एक धर्म समझ के उसके इलाज का खर्चा भी उठाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हरियाणा के तमाम अपडेट्स के लिए। हम आपके साथ आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल ये अपडेट्स आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।